खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाय के साथ आरंभ हो गई। चैती छठ 16 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि साल भी बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने छठ व्रतियों को पटना के घाटों और तालाबों में छठ अर्घ्य नहीं देने की हिदायत देते हुए घर पर ही छठ व्रत मनाने की अपील की है। आधुनिकता के इस युग में अंधविश्वास के कारण जिंदगी को दांव पर लगाने की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन ये तस्वीरें उतनी ही सच है जितनी कि लोगों की इस पर अंधमुक्ति। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंधविश्वास की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। अंधविश्वास की यह तस्वीर सरायकेला खरसावा जिले के ईचागढ़ प्रखंड स्थित लांबा गांव की है। यहां श्रद्धालु खुद को गंभीर यातनाएं देकर भक्ति और श्रद्धा की मिसाल पेश करते हैं। वैसे तो झारखंड धर्म, संस्कृति, आस्था और कई परंपराओं का केंद्र रहा है, लेकिन आस्था के नाम पर मौत का यह खेल ठीक नहीं है। यहां लोग खुद को पीड़ा देकर चरक पूजा करते हैं। श्रद्धालु तीन दिनों तक उपवास में रहकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उसके बाद लहलहाती आग में चलकर और पीठ को छेदकर आसमान में झूलते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह परंपरा आदि काल से चली आ रही है और ये पूजा झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के भी कई इलाकों में की जाती है। आस्था होना गलत नहीं है, लेकिन उसके नाम पर मौत का खेल सही नहीं है। इस तरह के आयोजन अब तक न जाने कितनों की जान ले चुका है। प्रशासन की बेरुखी भी आज तक अंधविश्वास के इस खेल पर रोक नहीं लगा पाई। जरूरी है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, ताकि अंधविश्वास के नाम पर सदियों से चली आ रही यह परंपरा की बेहतर तस्वीर सामने आ सके। नेशन न्यूज के लिए सरायकेला से विद्युत महतो की रिपोर्ट।